एम्बेसडर हमारे अजीज दोस्त और बड़े भाई सदियों रहमान खिदवाई और मेहमान खसूसी गौतम चक्रवर्ती। एक और आना था, अभी तक आए नहीं हुए, इंतजार करिए। क्या मामला है जी? आते ही होंगे, खैर चलिए, मैं उनका भी नाम लिए देता हूँ। और मैं बाहर से आए हुए ये दो नौजवान सामने सफ में बैठे हुए अशरुश्वरा हजरत गुलजार दहलवी जनाब शहीम हनफी जनाब अनीस अशफाक जनाब अहमद महफूज प्रोफेसर अनीसुररहमान जनाब अंजुम हसन प्रोफेसर बारा फारूकी प्रोफेसर राणा सफवी और तमाम दोस्तों। अब बहुत कुछ तो इधर रजा हैदर साहब ने कह दिया और अथर फारूकी साहब ज़रा इस बात के लिए ख़ास करके इशारा कर रहे थे कि जो बदला गया है नक्शा, थोड़ा सा गोशवारा बदला गया है, उसके बारे में कुछ कहा जाए। तो वो तो कह दिया है रजा हैदर साहब ने, और कि अब ये दो तरह का जलसा है, कुछ इसमें कॉन्फ्रेंस है और कुछ इसमें फेस्टिवल भी है। तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद ये ज़रूर की जाती है कि दोनों का अपना जो मेयार और मजाक है और जो उनका एतबार है वो हासिल रहेगा। और मैं तो पहले वाले हिसाब से आया था यहाँ कि वो कॉन्फ्रेंस है, लिहाजा मैं अपनी तहरीर लाया था लिख करके, टूटी फूटी सी, वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में, इस ख्याल करते हुए कि बहुत से लोग यहाँ अंग्रेज़ी वाले होंगे। लेकिन मैं समझता ही हूँ कि अब चंद मिनटों में मैं अपनी बात को उर्दू में कहकर ख़त्म कर दूँ। एक बात तो ये बतानी है, देखिए कि ये जो तीन लफ्ज़ हैं, इनमें से दो लफ्ज़ तो कम से कम एक लफ्ज़ तो हमारे यहाँ का नहीं है, यानी नेचर नेशन का लफ्ज़ जो है ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारी तहजीब में नहीं है। ये मगरबी रोशन फिक्री की पैदावार है और नेशन से जो चीज़ें और निकलती हैं, मसलन नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट, इसको हमारे यहाँ कौम परस्त कहते हैं और कौम परस्ती कहते हैं, ये तस्वुरात हमारे यहाँ नहीं थे, बल्कि मशरक़ में कहीं नहीं थे। हमारे यहाँ का मतलब ये है कि ये तो यूरोप के रोशन फिक्री के दौर के यादगार हैं और जिनके नतीजे में बहुत सारी बुराइयाँ फैलीं। उन बुराइयों में हमारा जदीद हिंदुस्तान भी शामिल है कि यहाँ अंग्रेज़ आए, उन्होंने अपने ख्यालात को यहाँ आम करना चाहा, जिसके नतीजे में बड़ी बहुत कुछ हुआ जो कि न होना चाहिए था। क्योंकि इसमें मुश्किल ये है कि नेशन और यानी कौम और रोशन फिक्री यानी एनलाइटनमेंट और नव आबादियाती तसल्लुत यानी कॉलोनियलिज्म, ये तीनों साथ साथ हैं, इनमें से किसी को आप अलग नहीं कर सकते। अब रहा मामला तहजीब का, तो खैर तहजीब तो जाहिर बात है कि दो तरह की होती है, एक तहजीब जो हमारी आपके आम तौर पर है, एक तहजीब जो बड़ा एक सरमाया है तहजीब का किसी भी कौम का, जिसमें कि किसी भी जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो हो जो सकाफत या तहजीब है वो मज़हब से अलग होती है, बल्कि अक्सर वो मज़हब को काट भी देती है। ये उसकी एक बहुत बड़ी खसूसियत और बहुत बड़ी क़ुव्वत उसकी है कि जो तसव्वुर कायनात जिसको हम कहते हैं वो कल्चर का तहजीब का पैदा करता है और वो मज़हब से अलग है, या मज़हब को कहीं कहीं पर मज़हब से के ख़िलाफ़ भी चला जाता है। तारीख़ का मामला ये है कि तारीख़ हमारे ज़माने में तो बहुत तारीख़ लिखी जा चुकी है, लिखी गई है, उर्दू की तारीख़ कम लिखी गई, बाद में शुरू हुई, उसके बारे में बाद में करूँगा। मैं नेशन का जो एक बुनियादी तसव्वुर है कौम का, वो ये है कि हमारे ऊपर कोई है नहीं, यानी वो कोई बादशाह नहीं है, कोई हाकिम नहीं है, कोई अल्लामिया नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो ये तसव्वुर ज़ाहिर बात है कि यूँ भी हमारे लिए एक तरह से नया तसव्वुर था हिंदुस्तान में, और जब हम लोगों के सामने ये चीज़ें आईं, जिसमें कि हिंदुस्तान के लोगों ने जब इस तरह से महसूस किया कि बाहर के लोग यहाँ आ गए हैं और बाहर के लोगों का कुछ और तसव्वुर है ज़िंदगी का, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी शामिल हुई जो हमारे यहाँ पहले नहीं थी। उनमें से पहली बात तो ये शामिल हुई, वो ये कि तुम हो, तुम मज़हब तुम्हारा कौन सा है।
अब देखिए, हम तो मैं जाहिर है कि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मशरक़ी यूपी का, वहाँ तो आम है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कम से कम शिमाल के हिंदुस्तान यकीन है ये आम होगा, अब भी आम होगा कि लोग पूछते हैं, पहले मिलने पर पूछते हैं कि आप कौन ज़ात हो, कि आपकी ज़ात के हैं, कि आप ब्राह्मण हैं क्या, जो भी हैं खत्री हैं मुजतरी वगैरह, मज़हब नहीं पूछते कभी ये बहुत। उसके बाद सवाल उठता है, शायद ज़ात से सवाल खुद मालूम हो जाए कि किसी ने कहा कि ब्राह्मण हूँ, जाहिर है कि हिंदू होगा, तो वरना यह कि ये सवाल इतना अहम नहीं जितना हमें कि आप हैं कहाँ के, आप किस तबके से आए। तो हमारे यहाँ तबके का जो कि जो की जो एक तफरीक थी उसमें बहुत सी खराबियाँ थी, वो हैं, लेकिन उसमें ये बात थी कि वो मज़हब से, वो भी एक तरह से मज़हब से अलग, बल्कि मैं कहूँगा मज़हब से बालातर था। अब एक अजीब बात सुनिए, देखिए तारीख किस तरह से मजाक उड़ाती है हम लोगों के साथ, कि आजकल कुछ लोग ये फरमा रहे हैं कि जितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और उनका मसाइल है किसी और वजह से कह रहे हैं, वो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि हिंदू, इसके मानिए कि वो हिंदू मज़हब उनका या वो हिंदू मज़हब के पाले हुए पैदा किए हुए। 18वीं सदी में या 18वीं सदी तक हम कह सकते हैं इस मुल्क में हिंदू के माने थे हिंदुस्तानी, और हमारे बहुत बहुत बड़े लुगत नगार और बहुत बड़े उर्दू के, फारसी के बहुत बड़े आलिम टेक चंद बहार, जो उनका लुगत अजीम शान लुगत, जैसे कि दुनिया उसका उसकी तारीफ़ करती है, उसको कायल है, बाहर अजम में वो लिखते हैं कि, फारसी छोड़ देता हूँ, वो अंग्रेज़ी पढ़ देता हूँ मैं तो, बल्कि ज़बानी सुन लीजिए आप, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान का रहने वाला। तो ये तारीख, ये किताब लिखी, ये सात सात तरह उन्होंने लिखी इसको, उसके साथ गोया समझिए आपकी रवायतें उन्होंने बनाई, एक से एक बेहतर, एक से एक बेहतर, एक से एक बेहतर। तो ये काम शुरू हुआ 1746 के आसपास और ख़त्म हुआ उनके मरने के एक साल पहले, जैसा कि उनके एक शागिर्द ने लिखा है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि 1746 में उन्होंने ये बात कही होगी या ये कि उसके बाद कही होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि वो खाने आरजू की ज़िंदगी में कही, खाने आरजू का इंतकाल 1766 में हुआ। वो कहते हैं कि साहब हमारे, हम हिंदू के मान, फारसी ज़बान को के मानी बयान करते हैं, हिंदू के मानी हिंदू, हिंदुस्तान का रहने वाला। फिर कहते खाने आरजू, ये कहते हैं कि अब ये लफ्ज़ हिंदू कौम से मखसूस हो गया है और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान के लिए ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो हिंदी है वो सब लोगों के लिए है, लेकिन तकलीब के बायस, तकलीब एक बड़ा दिलचस्प चीज़ होती, मैं भी अर्ज़ करूँ, तकलीब के बायस हिंदी की जगह हिंदू राज हो गया। तकलीब ग्रामर का, या फारसी और अरबी ग्रामर का एक वो सीगा है जिसमें कि कभी कभी मजबूत कमज़ोर पर हावी हो जाता है, ज़बान में ऐसा नहीं होता, ज़बान में तो कमज़ोर अक्सर हावी हावी होता है, लेकिन ये कि यहाँ ये हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि तकलीब की बिना पर ऐसा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है, ये उस वक्त क्या बात ऐसी आ गई थी, खाने आरजू ने ये क्यों कहा कि ये तो तकलीब की वजह से हिंदू राइज हो गया है, वरना ये लफ्ज़ दरअसल हिंदी कहना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ, अंग्रेज़ बहादुर कई शक्लों में यहाँ इस मुल्क में आता है, पहले जुनूब में पहुँचता है, फिर कलकत्ते में आता है, फिर और जगह पहुँचता है, दिल्ली तक भी आ जाता है। ये आ करके उनके यहाँ, चूँकि अभी रोशन फिक्री नहीं आई है, लेकिन उनके यहाँ मज़हब का एहसास बहुत ज़बरदस्त है, और चूँकि बड़े झगड़े उनके यहाँ हो चुके हैं, हम लोग इसी में लड़ते रहते हैं कि बरेलवी मस्जिद कौन और देवबंदी मस्जिद कौन और अहले हदीस कौन और फलां कौन, वहाँ आलम यह है कि एक डिनोमिनेशन का जो आदमी है ईसाई, वो अगले डिनोमिनेशन के, दूसरे डिनोमिनेशन के चर्च में नहीं जाता। अगर आप मेथडिस्ट हैं तो फिर आप उसी के चर्च में जाएंगे, अगर आप सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं तो उसी के चर्च में जाएंगे, एपिस्कोपेलियन है तो उसी के चर्च में जाएंगे। ये नहीं जैसे हम लोग कहते हैं भाई क्या हम मुसलमान तो हैं, क्या हुआ हम सुन, कोई बात नहीं है, तुम हनफी हो या शाफी हो या शिया सुन्नी, हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो वो मज़हब के बहुत उनको इस बात का ख्याल था। अब तो ये तमाम दुनिया में फैला दिया गया कि जो तो बड़े वो बड़े वो सेक्युलर और बड़े गैर मजहबी वगैरह हैं, मज़हब उनके यहाँ बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने लोगों को कहा कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तो अब बुझाए कि वो जो कोई बता ना पाए कुछ, वो तो कहें था कि मैं तो फलां ज़ात हूँ, मैं फलां ज़ात हूँ, मैं तो मछेरा हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो उनका आखिर तुम्हारा कोई मज़हब तो होगा, तो उन लोग क्या अपने को क्या कहते हो, तो उनका अपने को हिंदू कहते हैं। तो उनका अच्छा आप तुम अपने को हिंदू कहते हो, तो एक लफ्ज़ ईजाद हुआ जेंटू, GENTOO इसका तलफ, आज उसका इमला ये है, उस ज़माने में और तरह के इमला थे, GENTEW भी था वगैरह वगैरह वगैरह।
उनके यहाँ दो मज़हब, मज़हबों के दो बड़े हिस्से हैं, एक तो वो मज़हब जो कि जेंटाइल का है यानी जो गैर यहूदी का है, एक मज़हब वो जो यहूदी का यानी जूश जू, तो एक जू होगा या जेंटाइल होगा, दो उसको थर्ड चीज़ नहीं होगी। अब उन्होंने ये तीसरा जानवर देखा, वाह भाई वाह, जो अपने को हिंदू कहता है ये क्या चीज़ है भाई, तो उनका इनके जेंटू कहलाएंगे आज से। तो उन्होंने जो मैं मिसाल पढ़ता हूँ आपके सामने, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 1638 का एक कोटेशन है, 300 स्लेव्स हुम द पर्शियंस ब्रॉट इन इंडिया, पारसीज, जेंटूज एंड अदर्स, यानी 1638 में वो पहचान रहे, इस बात को तशख्स पैदा कर रहे हैं कि जेंटू कोई अलग जानवर होता है, ये पारसी नहीं होता। उसके 100 बरस के बाद उसी डिक्शनरी में फिर एक और कोटेशन, और बहुत से मैंने छोड़ दिए हैं, एक ये आता है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड वेर ऑल जेंट्यूज और जेंटाइल्स, दो तरह के लोग सिर्फ वहाँ थे, या तो वहाँ पे ईसाई थे या हिंदू थे। तो इस तरह से ये लफ्ज़ फैला, इसको कि उन्होंने जेंटू का लफ्ज़ बनाया, जो जो पुराने मुर्खीन जो जानते ही होंगे, गौतम को ज़रूर मालूम होगा, गौतम दिलचस्प इन चीज़ों से है। आगे चलिए था, तो अब इसके बाद ये कि धीरे धीरे ये तमाम फैला कि साहब जो आदमी मुसलमान नहीं है उसे जेंटू कहना चाहिए। फिर बाद में ख्याल आया उन लोगों को, जाहिर ख्याल आया होगा कि भाई यहाँ तो ये लफ्ज़ चलता ही बिल्कुल नहीं है, लोग जानते भी नहीं जेंटू वेंटू क्या होता है, तो उन्होंने फिर कहा कि ये गलबन हिंदू होगा जिसको ये लोग बिना बिगाड़ के बना रहे हैं। इसके सबूत में मैं आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद डिक्शनरी दुनिया भर की मानी जाती है, जिसकी के लोग तकरीबन यानी अंग्रेज़ लोग तो कसम ही खा लेते हैं, मैं भी कसम खा लेने पर से इनकार न करूँगा, इतनी मुस्तनद डिक्शनरी है, उसमें तारीफ़ क्या करते हैं हिंदू की, एन एरियन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हिंदुस्तान हु रिटेन्स द नेटिव रिलीजन हिंदुइज्म, हेंस एनी वन हु प्रोफेसेस हिंदुइज्म। तो ये मानी हमारे नहीं है, ये मानी मोहन भागवत के नहीं है, ये मानी वहाँ से आए हैं। अब क्योंकि हमारे जो मानी थे वो तो ख़त्म कर दिए गए, हमारे जो, तो ये जो हमारे यहाँ मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इस तरह से ये बात हमारी समझ में आई कि ये गैर लोग हैं, ये लोग जो यहाँ आ रहे हैं और ये तफरीक इस तरह की पैदा कर रहे हैं कि जेंटू कुछ और चीज़ होता है, जेंटाइल कुछ और होता है, जू कुछ और होता है, और फिर जेंटाइल की 20 किस्में जैसा कि आप जानते ही हैं, खुद यहाँ हिंदुस्तान में बहुत से किस्में हैं ईसाई लोगों के जो आप जानते हैं, जो कि अगर जो प्रोटेस्टेंट नहीं है लेकिन हमारा वो भी एक हिस्सा है ईसाई, पूरे ईसाई दुनिया का। तो इस तरह से धीरे धीरे ये तसव्वुर पैदा हुआ कि साहब ये दो जो लोग हैं यहाँ पे, जो सफ़ेद लोग जो आए हुए हैं, ये लोग ईसाई होते हैं, और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ उसमें हिंदू कहलाते हैं, कुछ उसमें मुसलमान कहलाते हैं। इसलिए 1766 में खान आरज़ू का इंतकाल हो चुका है, उसके पहले, उसके कुछ देर के बाद इंतकाल टेकचंद बहार का भी हो गया, जैसा कि उनके शागिर्द ने लिखा है कि सेलचंद खत्री ने कि 1765 में आखिरी दफ़ा उन्होंने इस किताब को तैयार किया था, मैंने वो मुझे हाथ लगी, मैं उसको अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वह उस वक्त तक आते आते टेकचंद बहार को इस राय में कोई इख्तलाफ नहीं था जो कि खान आरज़ू ने बयान की थी कि इस कौम के लोग में दो तरह के लोग रहते हैं इस मुल्क में, कुछ वो हैं जो हिंदू हैं और कुछ वो हैं जो हिंदू नहीं यानी मुसलमान हैं। अब अच्छा देखिए एक और बात गौर कर लीजिए, 18वीं, देखो जब बहुत देर लगेगी तो मैं बंद कर देता हूँ, बता देना, इसने इशारा कर देना, ओए उस्ताद सजीव रहमान इशारा कर देना, अगर टाइम लगा मैं बंद कर दूँगा जब कहोगे तो। आपके लिए कोई वक्त नहीं है, क्यों नहीं भाई, इनके लिए वक्त होगा, हमारे लिए नहीं तो क्या हुआ, अभी वक्त है हमारे। अच्छा चलो भाई, 1800 तक आपको इक्का दुक्का जिक्र अंग्रेज़ का मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ अहमियत ही नहीं थी, बस ये ज़रूर था कि वो अपना हुकूमत वकूमत करने के लिए आए, शुरू में थे भीख मांगने के लिए, बाद में हाकिम बन गए और बात है, लेकिन हमारी तहजीब पर और हमारे मुआशरे पर और हमारे अदब पर इनका कोई असर नहीं मिलता। मीर के यहाँ ये लफ्ज़ अंग्रेज़ का है ही नहीं, उन्होंने कुछ फ्रांसीसी लोगों के नाम ज़रूर लिए हैं जो कि सिंधिया की फ़ौज में थे, लेकिन किसी अंग्रेज़ का नाम नहीं उन्होंने लिया, अंग्रेज़ का लफ्ज़ ही उनके यहाँ नहीं है। शाहजहाँ के यहाँ फ्रांसीसी रेजिमेंट भी हुआ करती थी, इसका नाम था फ्रांसावी बल्टन, लेकिन अंग्रेज़ वगैरह वहाँ कोई नहीं था। इन लोगों ने आ करके जब ये धीरे धीरे अपना इकदार जमाया और ये जाहिर किया कि साहब, पहले तो ये जाहिर किया कि तुम दो कौम हो, ये दो मज़हब के आदमी, दो अलग अलग लोग हो, और फिर ये कि हम तो यहाँ आए थे मांगने कमाने खाने के लिए, लेकिन अब हम यहाँ हुकूमत करने वाले हैं।
تو 18ویں صدی کے اواخر سے پھر شروع ہوتا ہے اردو ادب میں. اب یہ جو جس کو آپ قومیت کہیے, آج کی زبان میں قوم پرستی کہیے, یا آپ اس کو انگریزوں کی مخالفت کہیے, یا آپ اسے ہندوستانی تشخص کا اظہار کہیے, جیسا کہ میں کہتا ہوں, کہ ان کے زمانے میں لفظ قوم تو تھا ہی نہیں. قوم تھا ضرور, عربی میں لفظ تھا قوم کا, لیکن اس کے معنی یہ نہیں تھا جو کہ آج کے زمانے میں. تو لہذا قوم تو یہ دراصل غیر کے وجود کا احساس بلکہ اقرار, اور اس پر اس سے اقرار, یہ دو چیزیں اس میں, غیر کے وجود کا احساس اور اس سے اقرار. پھر دیکھیے جرت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا, مشہور کر دیا وہ چوما چاٹا والا فقرہ, بھلا آدمی ہو اللہ بخشے اس کو, آپ کے دلی کا تھا وہ, جو کہہ گیا کہ صاحب میر سے جب ایک بہت غزل پہ بہت داد ملی جرت کو, تو وہ میر صاحب جب صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس وہ گئے, کہا حضور غزل سنی آپ نے؟ تو بقول محمد حسین آزاد کے میر نے کہا, تمہیں غزل گوئی سے کیا مطلب, تم اپنا چوما چاٹا لیے گھما کرو, بیٹھے رہا کرو. تو ہم لوگوں نے زندگی بھر کے لیے تا حیات 200 برس 250 برس سے بیچارہ جرت کو چوما چاٹا کا شاعر بنا کے چھوڑ دیا. لیکن ایسا ہے نہیں, یہ سب لوگ اتنے بیوقوف, جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ بڑے عقل مند ہیں, بڑے بیوقوف تھے. ہاں ہمارے یہاں اخبار ہمارے یہاں تھا, ہمارے یہاں انسٹاگرام تھا, ہمارے یہاں خدا نے اور کیا کیا چیزیں, ٹی وی بھی تھا. تو لیکن پھر بھی ہم ان سے کم عقل مند وہ لوگ نہیں تھے جتنے وہ عقل مند تھے. اب یہ کتاب مشہور ربائع ہے جرت کی, جو بہت سے لوگوں نے پڑھی ہو سنی ہوگی, اور اس میں کئی چیزیں میں ابھی عرض کر رہا ہوں. اس میں سمجھے نہ امیر ان کو کوئی نہ وزیر, سمجھے نہ امیر ان کو کوئی نہ وزیر, انگریز کے ہاتھ ایک قفس میں ہیں اسیر, جو کچھ وہ پڑھائیں سو یہ منہ سے بولیں, بنگالے کی مینا ہیں یہ پورب کے امیر. جب پورب سے مراد بنگال نہیں ہے, دلی والوں کے لیے لکھنؤ پورب تھا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں بابو مصور نے بڑی گالی دی پورب والوں کو, معاف کی لکھنؤ والوں کو بیٹھے ہو تو میں کان یہ بیٹھا ہوا نہیں, اس پاس میں کان پکڑ کے کہتا ہوں, بہت برا والا کہا. تو پورب میں لکھنؤ, اب ظاہر بات ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا غالباً, کہیں کسی نے لکھا نہیں کب کا واقعہ ہے. 1809 میں جرات مرے ہیں, جبکہ 1795 میں آصف الدولہ کا انتقال ہوا. آصف الدولہ کے بیٹے وزیر علی خان کو لوگوں نے بٹھانا چاہا ان کی مسند پر, لیکن انگریزوں نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کے سازش کی, یہاں تک مشہور کر دیا کہ یہ تو ان کی اولاد ہی نہیں ہے, اور آصف الدولہ تو رجولیت سے محروم تھے, جیسے لکھا ہے نول کشور نے, رجولیت سے محروم تھے. تو پھر خیر وہ ان کی بھی کچھ اپنا بچپن رہا ہوگا, لیکن خیر وہ ہٹا دیے گئے فوراً. اور آصف الدولہ کے سوتیلے بھائی مرزا منگلی یعنی زیاد علی خان بنارس سے لا کے یہاں بٹھائے گئے. یہ غالباً اس وقت کی رباعی ہے مجھے, میں سمجھتا ہوں جہاں تک. سمجھے نہ امیر ان کو کوئی نہ وزیر, وزیر کے نام بھی لایا دیکھیے وزیر علی خان کا, انگریز کے ہاتھ ایک قفس میں ہیں اسیر, جو کچھ وہ پڑھائیں سو یہ منہ سے بولیں, بنگالے کی مینا ہیں یہ پورب کے امیر. انشا کا دیکھیے, انشا نے تو خیر مذاق وزاق اڑایا بہت ہے, یہ وہی زمانہ وہی ہے کہ 18ویں صدی ختم ہو رہی ہے اور 19ویں صدی آ رہی ہے, سعادت علی خان کا زمانہ ہے 1795 کا. تو ایک شعر سے سناتا ہوں جو کہ کم لوگوں نے سنا, زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ انشا کے بارے میں مشہور کر دیا, پھر وہی کتاب کمر باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے سب یہاں سب یار بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا یہ کہ پھر وہ وہاں سوڑ سوڑتے مذاق کرتے تھے ان کو شاعری وغیرہ سے کیا مطلب, یا یہ کہ مصفی سے جھگڑا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. غلام میں تو ہوں ان صاحبوں کی کھڑپچ کا, کھڑپچ کے معنی ہوتا ہے کہ جھگڑا لوپن, بات بات میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا آپ لوگ, ہم لوگ کہتے ہیں بڑی کھڑپیچ کرتے ہو تم, جی وہی لفظ ہے, لیکن اس میں ایک معنی اور بھی ہے کہ جھگڑا لوپن کے معنی, بس مزاجی کے معنی. غلام میں تو ہوں ان صاحبوں کی کھڑپچ کا, سڑی تو صاحبی اس پر چبوترا گچ کا, گچ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ یعنی جس کو ریختہ کہتے ہیں, یعنی وہ مسالہ جس میں چونا اور چونے کی سرخی اور بجری ملا کے بناتے ہیں, جس سے کہ دیوار بے انتہا مضبوط ہوتی ہے, چھت بے انتہا مضبوط ہوتی ہے, اسے گچ کہتے ہیں. یہ لفظ میرے شیخ شمیم کو معلوم ہوگا, میرے زمانے میں لفظ بہت تھا یہ گچ کا لفظ, گچ کی دیوار ہے, گچ کی چھت ہے. تو بیٹھے تو ہوئے گچ کے چبوترے پہ ہیں, بغیر سڑی صاحبی بالکل سڑی بھی ان کی ہے. ابھی صاحب معلوم ہے کہ انتہائی حقارت کے نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ, کہ چاہے وہ اپنی جگہ پر تم بادشاہ بنے گھومتے ہو, مشہور جو واقعہ جو ہر جگہ معلوم ہی لوگوں کو ہے کہ وہ تو, لیکن وہ اس قدر حقارت سے دیکھ رہا ہے اس کو. اب تو کیا کیا چیزیں ایسی تھیں جو جن سے کہ اس طرح کے تاثر پیدا ہوئے, میں سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو ایک منظم طور پر لوٹ یہاں چل رہی تھی, اور اس لوٹ کا اظہار اب جا کر کے
अमर्त्य सेन ने किया और उसके बाद फिर अभी शशि थरूर ने अपनी किताब में किया, आप लोग किताब देखी होगी, कि वो कहते हैं अमर्त्य सेन ने लिखा कि सन 1800 में दुनिया की जीडीपी का 26% हिस्सा हिंदुस्तान में पैदा होता था। 26% ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ल्ड की हिंदुस्तान में थी, पैदा होती थी 1800 में, और 2000 और 1947 आते आते ये 2% रह गई। तो लूट इसे कहते हैं। मैं ये लूट नहीं है कि वो रेल बनवा दी, उन्होंने तार लगवा दिया और माइक्रोफोन चलवा दिया, फारूकी साहब बोल रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो। लूट इसे कहते हैं कि 26% दुनिया की पैदावार का हमारे हिस्सा हम बना रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही, अमर्त्य सेन ने कही है कि 1800 से लेकर 1900 बल्कि उसके कुछ आगे तक भी हिंदुस्तान हमेशा बरामद करने वाला मुल्क था, लेकिन 1800 से आते आते आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ दरामद करने लगा। यहाँ कुछ बनता ही नहीं था बिल्कुल, फिर हम बदनाम किए जा रहे हैं, अब इनका बनता कुछ नहीं है, इन्हें क्या मालूम, जाहिल बेवकूफ़ हैं, ना इनको मशीन मालूम, ना इनको हिसाब मालूम, ना किताब मालूम। तो ये जो अजीम पैमाने पर जो लूट हो रही है उसके बारे में, फिर ये कि वो जो इन लोगों के जो तसव्वुर जो था कि हम सफ़ेद रंग के हैं, हम इनसे बेहतर हैं, ये काले हैं और इनका बोझ हमारे ऊपर है, ये एडमंड बर्क ऐसे आदमी ये कह रहे हैं, इनका बोझ हमारे ऊपर है। और भी लोग, मैं नाम लूँगा अभी आदमी, जैसा कि आपको मालूम है कि सर सैयद अहमद खान मरहूम ने हज़ार जो कुछ हम लोगों ने बदनाम करते हैं कि अंग्रेज परस्त ये थे वो थे, उन्होंने साफ साफ लिखा बगावत हिंद में, इस बगावत का एक सबब ये भी था कि हिंदुस्तानियों के तहीं अंग्रेज़ों का रवैया नहायती हकारत आमेज और ज़िल्लत आमेज था। राणा बैठी तो कन्फर्म करेगी इस बात को। और फिर ये कि जो उनका एक मशीनी तसव्वुर था हुकूमत का, खैर हमारे यहाँ मारपीट हो रही है सब हम जानते हैं, गालिब ने लिखा भी तो देखो ना, फलाने साहब मर गए, फलाने साहब आ गए, देखो अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा अमीर मरा होता अगर, तो क्या 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 झगड़े होते, क्या क्या लड़ाइयाँ होती, यहाँ क्या एक गया दूसरा आ गया। तो सही बात है, इसमें गालिब साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म उनका मामला था, वहाँ ये नहीं था कि मरने के बाद झगड़े हो रहे हैं, ये मरने पहले झगड़े हो रहे हैं, तख्त बैठाते ही शुरू कर दिया साहब, तो वहाँ ये था कि हर चीज़ मुनज़्ज़म होती थी। इसके लिए मुसव्वी ने शेर भी कहा, भी सुनाता हूँ मैं आपको। और चौथी बात ये कि जो इनका जो समाजी और जो इनका अस्करी असर था हिंदुस्तान में, मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे हैं, फौज में भर्ती किए जा रहे हैं, हिंदुस्तानियों को कोई अफसरी नहीं मिल रही है, आपको मालूम है कि बेचारे स्कैनर साहब काले थे, पक्के काले थे, लेकिन बोलते और रहते सिर्फ अंग्रेज़ों की तरह से थे, और उनको ज़िंदगी भर वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई रैंक नहीं दिया। बहुत आखिर में बहुत दौड़ धूप और झगड़ने के बाद उनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। तो ये था कि साहब ये काले लोगों को नहीं मिलेगा हुकूमत, ये अफसरी के काबिल नहीं है। तो ये जो रवैया था, अब आपको शेर सुना, एक शेर तो मशहूर होगा, सुना होगा आप लोगों ने मुसव्वी की शेर, ये शेर दीवान सोम में है, तकरीबन 1796 का है। हिंदुस्तान में दौलत व हशमत जो कुछ के थी, जालिम फिरंगियों ने बतदबीर खींच ली। ये 1796 में वो देख रहा है आदमी, जो हम लोग अब तक नहीं देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ अब तक तारीख पढ़ाई जा रही थी, अंग्रेज़ों ने साहब बड़ी बड़ी हम पर मेहरबानियाँ की, यूनिवर्सिटियाँ खोल दी, रेलगाड़ी चला दी, डाकखाना खोल दिया और तारघर बना दिया और पुराना कर दिया। ये वो कह रहा है 1796 में कह रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा आगे जाइए, एक बड़े मजे शेर कहता है वो, ये भी शेर दीवाना सुबह में है। कलकत्ते से खफा था दिल मुसफ़ी का यारो, कलकत्ते से खफा था दिल मुसफ़ी का यारो, जालिम फिरंगियों ने सॉरी जब तो चला गया वो दखन बगैर पूछे, न वो कलकत्ते गए न वो दखन गए, लेकिन दिल में तमन्ना थी कि मैं भी दखन चला जाऊं। और अब देखिए कलकत्ते लखनऊ में बैठे हुए हैं, लेकिन कलकत्ते के बारे में मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो अंग्रेज़ नहीं कहता है, वो कहता है कलकत्ते से कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, तजारत हो रही है, जंग हो रही है, सबसे वो जो निज़ाम मुल्की हो रहा है सबसे वो खफा है। कलकत्ते से खफा था दिल मुसफ़ी का यारो, जब तो चला गया वो दखन बगैर पूछे। एक शेर बिल्कुल आखिर में उन्होंने कहा, जो आखिरी दीवान में उनके है, आठवें दीवान में है। तोड़ जोड़ आवे है क्या खूब नसारा के तहीं, तोड़ जोड़ आवे है क्या खूब नसारा के तहीं,
फौज दुश्मन से वहीं लेते हैं सरदार को, तो ये 1820 के करीब का शेर है। उस वक्त तो आपके सामने सरायुद्दौला भी हो चुके हैं, आपके सामने टीवी सुल्तान भी हो चुके हैं, लेकिन जो नहीं हुआ है वो बहादुर शाह जफर हमारा नहीं हुआ है, वो बाद में आके इस तरह का शेर कहता है कि ये बहादुर शाह जफर का है, एतबारे सब्र ताकत हाक में रखूँ जफ़र, एतबारे सब्र ताकत हाक में रखूँ जफ़र, फौज हिंदुस्तान ने कब साथ टीपू का दिया। तो ये नहीं कि उसको खबर नहीं है, कि लोग कहते हैं ना कि वो क्या है, वो सिर्फ उसको शादियां करता था और पीरी मुरीदी करता था, उसको क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। सब उसको मालूम था कि क्या गुजर रही है क्या नहीं गुजर रही है, सब खूब मालूम था, मुसफ़ी को खैर मालूम था ही बिल्कुल। हाथ से गोरों के जाबर होवें क्यों कर अहले हिंद, काम करते ही नहीं हरगिज़ ये बिन कंसल किए, सब काम उन्होंने मशवरा करे करते हैं, मालूम है साहब गवर्नर जनरल कौंसिल का ऑर्डर आ गया है, अब क्या कर सकते हैं भाई, बादशाह हो तो मना लें उसको, वहाँ तो एक कौंसिल नाम की एक चीज़ है जो कि जो इसके कोई शक्ल सूरत ही नहीं मालूम हमें। अब देखिए तहजीब एतबार से शेर कुछ मशहूर भी ऐसा सुना हूँ आप लोग, मैं मुसफ़ी लीलाम में कल हम भी गए थे कर आए एक तुरफन फिरंगन का नज़ारा। तो अभी इसमें देखिए कितने सकाफती और तहजीबी वगैरह वगैरह जो पहन हैं कि न, तो अव्वल तो ये कि भाई औरतें उनके पर्दे के बगैर निकलती हैं, चलिए भाई ठीक है, और पूरा मेकअप कर निकलती हैं, बन संवर के निकलती हैं, और ऐसे ऐसे काम करती हैं साहब कि जाके वहाँ बोली लगाती हैं एक कुर्सी पर और एक मेज़ पर और एक चमचे बोली लगा रही हैं अपने साहब 4 रुपये और 2 रुपये उठाने, और फिर ये कि साहब वो ये यानी अब इसलिए जब उसने तुरफा फिरंगन कहता है तो तुरफा फिरंगन में सब कुछ आ जाता है, और लीलाम गोया जो है इसको उन्होंने लीलाम लिखा, ये शेर भी दीवाने चारों का है 1796 कुछ बाद का होगा। अब उसके बाद बिस्कुट भी चल गया था, जैसा सुना होगा अच्छा मालूम होगा आप लोगों को, जिसको आजकल के पढ़े लिखे लोग तो खैर क्या गरीब लोग ही बिस्किट कहते हैं, जहाँ अंग्रेजी का असर हमारे पर हो गया, हम तो अब तक बिस्कुट कहता है बूढ़ा आदमी उर्दू बोलने वाला, लेकिन हमारी नौकरानी बिस्किट कहती जो ना उर्दू पढ़े ना अंग्रेजी पढ़े। है ये फलक सिफला वो फीका सा फिर, ये आखिरी दीवान का शेर है, नहीं सातवें दीवान का शेर है ये 1820 करीब का होगा। है ये फलक सिफला वो फीका सा फिरंगी, रखता है महो खुर से जो पास अपने 2 बिस्कुट। सुन रही हो, फीका आने दोनों माने फीके गए, एक तो हल्के रंग वाला है जिससे गोहे गोहे लड़कियाँ हमारे यहाँ होती माफ़ कीजिएगा, और एक ये कि वो बेकैफ और बेरंग बिल्कुल इंसिपिट वेपिट है बिल्कुल, वो उसके बाद है कुछ नहीं देने के लिए, 2 सूरज जो मिलते भी नहीं ऊपर रखे हुए हैं अपने हाथ ही नहीं आते। है ये फलक सिफला वो फीका सा फिरंगी, रखता है महो खुर से जो पास अपने 2 बिस्कुट। अच्छा देखिए, अब जख्म वख्म बहुत होता है, अपना माशूक लोग जख्म लगा देते हैं, ज़ख्मी होता है आशिक मर जाता है वगैरह वगैरह। जख्म शमशीर निगह हैफ की अच्छा ना हुआ, इसे भी दीवान हफ्तुम का है। जख्म शमशीर निगह हैफ की अच्छा ना हुआ, करने को उसकी दवा डॉक्टर अंग्रेज आया, और क्या मालूम उसने और बिगाड़ दिया मामले को, कौन जानता है, तो उसने कहा नहीं है, तो बस ये कह रहा है कि भैया तेरा जख्म कोई अच्छा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अंग्रेज साहब भी आया तो भी अच्छा ना कर सके, लेकिन एक मानी भी हो सकते हैं कि अंग्रेज साहब ने आगे बिगाड़ दिया उसको, शायद ठीक हो जाता लेकिन आपने ठीक नहीं होने दिया। आखिरी दीवान एक शेर सुनाया था मैंने, एक और सुन लीजिए भाई साहब। मालिकुल मुल्क नसारा हुए कलकत्ता ले, कलकत्ता ले लिया, और देखिए ये अल्लाह मियाँ का नाम है मालिकुल मुल्क, लेकिन इन लोगों के लिए कितना कितने गुस्से में भर के कह रहा है, तन से कह रहा, मालिकुल मुल्क नसारा हुए कलकत्ता ले, ये तो निकली अजब एक वज़ के जंजाल की खाल। तो मैंने कहा ये खाल क्या लिख रहा है भाई, ये खालियाँ हैं क्या मतलब है, तो फिर मैंने लुगत ढूंढा तो मालूम हुआ खाल के माने एक घाटी और खंदक भी होता है। तो मुझे ख्याल आया कि हमारे बचपन में जो कहार हुआ करते थे तुम्हारे वो तो सजीकुर रहमान ऊंचा खाला देख के बोल जब बोलते जब चलते थे लेके ढोली को तो ऊंचा खाला देख के बोलते थे, यानी उसको मालूम होगा, तो वो खाल वही है जो खाला नीचा। तो मालिकुल मुल्क नसारा हुए कलकत्ता ले, ये तो निकली अजब एक वजह की के जंजाल की खाल, एक गड्ढे में गिरा दिया और जंजाल में बांध दिया, हम कहीं के नहीं रहेगा बिल्कुल। अब तो आप ये देखते हैं कि ये यहाँ जो 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 जहन नज़र आता है,
अगर ये शेर आज मैं कहता तो लोग मुझे कहते कि साहब बहुत कौम परस्त आदमी है ये, और कांग्रेस तो फौरन बोल देती थी मुझे कि हाँ तू बड़ा अच्छा आदमी है। ये सब ये एहसास मौजूद है उस ज़माने में, लेकिन ये कि कौम वम का जिक्र नहीं कर रहे हैं बल्कि वो और बातें ले रहे हैं कि जो गैर है ये आदमी, ये शख्स हमारे लिए गैर है, न इसकी तहजीब हमारे जैसी, न शक्ल हमारी जैसी, न रंग हमारे जैसा। अब देखिए एक आध शेर को सुना के मैं ख़त्म करता, अब मैं कल्चर की बात थोड़ी सी कर रहा था। जैसे मैंने कहा था कल्चर जो है सकाफत देता जिसको, अब ये सब ये लफ्ज़ पहले नहीं थे, ये बहुत बाद के लफ्ज़ हैं, सकाफत और तहजीब वगैरह उर्दू में नहीं था, अरबी में ज़रूर होंगे लेकिन उर्दू में नहीं थे। तो इसमें मज़हब को एक तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा तो नासिक तो आप मालूम है, बहुत पक्के शिया थे, आपको सबको मालूम है बहुत ही कट्टर शिया थे, और बल्कि वगैरह वगैरह। अशनान किशन जी ने किया है जो मुद्दतों, ये शेर नासिक का है, दीवान अव्वल का है। अशनान किशन जी ने किया है जो मुद्दतों, अब तक उसी असर से है रंगे जमन कबूद। जमना का रंग हल्का अलग तरह का होता है ना, जिसने शमी को मालूम होगा, जब जाके देखिए आप वो संगम पे, तो गंगा का रंग अलग है, जमुना का रंग अलग है, और जमुना का रंग में हल्की सी सब्जी, हल्की सी निलाहट होती है। स्नान कृष्ण जी ने किया है जो मुद्दतों, अब तक इसी असर से है रंगे जमन कबूत। तो किस तरह से मजहब को शायरी इस्तेमाल कर लेती है अपने काम के लिए। और शेर सुनिए, इनके शेर ये शेर भी नासिक के हैं। हुए हैं अक्स फिगन मेरे दाग गंगा में, हुए हैं अक्स फिगन मेरे दाग गंगा में, कहाँ बहाते हिंदू चिराग गंगा में। जो मेरे दाग हैं कहाँ बहाते हिंदू चिराग गंगा में, हुए हैं अक्स फिगन मेरे दाग गंगा में, इधर बहाते हैं गुल और उधर नहाते हैं गुल। इधर बहा रहे हैं उधर नहा रहे हैं, इधर बहाते हैं गुल और उधर नहाते हैं गुल, हर एक सुबह शगुफ्ता है एक बाग गंगा। कमंद मौज जो मानिंद जुल्फ है दिलकश, हुआ असीरी गम से फराग गंगा में। तो इस तरह से तहजीब अपना अमल करती है। वो ये नहीं पूछती साहब कि नासिर साहब आप 12 इमाम के मानने वाले हैं कि 6 इमाम के मानने वाले हैं कि 10 के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। वो तहजीब को लेकर के अपने रंग में ढालती है और तहजीब में उसका रंग खुद ढल जाता है। अब ये सब हमारे यहाँ के ज़माने की बहसें हुई, जो मैंने थोड़ा जिक्र किया है कि सी पी स्नो वगैरह ने कहा था कि साहब वो दो तहजीबें हैं और एक तहजीब तो साइंस की है और एक तहजीब जो है वो नॉन साइंस या आर्ट्स की है, और आर्ट्स की तहजीब जो होती है वो महदूद होती है, बदलती नहीं। उन्हें क्या होता है कि हम लोग कितना बदलते जा रहे थे। हम लोगों अगर हमारे बारे में कहा जाता है कि ये बड़े सब ये लोग बड़े क़यामत पसंद हैं, ये सब बड़े पुराने किस्म के लोग हैं, ये बदलते ही कुछ नहीं है, कट्टर हैं, हम कितना बदल रहे हैं कि मुसलमान हिंदू के फ़र्क किए बगैर हम इस तरह के शेर कह रहे हैं जैसे आप सुन रहे हैं अभी। सबसे ज़्यादा जो समझिए आपके हमारे यहाँ अफसोसनाक जो अलमिया है वो तारीख़ का है, 200 बरस की तारीख़ का जो अलमिया हमारा है, और अब तक अभी इसको भी अभी तक लोगों ने पूरी तरह से कम उर्दू में लोगों ने अभी देखा नहीं है। अंग्रेज़ी में तो खैर कई लोगों ने लिखा है इसके बारे में, और वो जो पहला नक्शा था कि साहब गोया दिल्ली बिल्कुल वहाँ उल्लू ही बुल्लू बोल रहे थे, बिल्कुल उजाड़ हो गया था, दिल्ली शहर था ही नहीं और कोई रह भी नहीं गया था, बादशाह अकेले टू 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 बैठे हुए थे। वो एक लघ्व जो जुमला जो ममलुकत शाह आलम अज़िल्ली ताप आलम जो इस बारे के बारे में है भी नहीं, वो उसके ऊपर ठोंक दिया गया, वो तो बहुत पहले वाले किसी बादशाह के बारे में था। तो एक गोया सारा बिल्कुल गोया अब तहजीबी और अस्करी और इंतज़ामी खला था, उस खला की को पुर करने के लिए ज़ाहिर बात है कि अंग्रेज़ को आना ही था। इस सारी तारीख जो हम लोगों ने पढ़ाई की, जो मैंने खुद पढ़ी है और लोगों ने शमी ने पढ़ी होगी, उसका पूरा उसके पस मंज़र में मकसद यही चीज़ था कि जो खला पैदा हो गया था मुग़ल सल्तनत के या मुग़ल तहजीब के या हिंदुस्तान की तहजीब के बिगड़ जाने टूट जाने का, उस खला को पुर करने के लिए अंग्रेज़ का आना लाजमी था। लिहाजा इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, ये तारीखी जबर था एक तरह से। अब देखिए सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो अभी इनके मैं बहुत तारीफ़ की और बड़ा एहतराम करता हूँ, उन्होंने जो असर उस नदीद में किताब लिखी उसमें एक जगह उन्होंने एक चैप्टर बनाया है, एक बाब बनाया है दिल्ली के फरमान रवाओं का। अब उसको अलग भी छप गया है वो, उसमें आपको सुन के देख के ये सुन के हैरत होगी कि 1760 से 1820 तक जॉर्ज III अंग्रेज़ बादशाह रहा, और अक्सर आधा वक्त वो पागल था जैसा कि आपने आपको मालूम होगा, और आखिरी ज़माने में 20-22 साल तो उसको बिल्कुल अलग ही कर दिया गया था, उसकी जगह पर प्रिंस ऑफ वेल्स वगैरह
काम देख, ये अलग बात है। 1803 में लॉर्ड लेक साहब तशरीफ लाते हैं और रिहाई दिलाते हैं शाह आलम को सिंधिया की के कब्ज़े से, और तब से दिल्ली की फतह शुरू होती है जैसा कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली के फरमा रवाओं में 1803 से जॉर्ज हर्ड का नाम भी लिखा है। अब तुम सोचो जरा सा कि वो शख्स जो जिसको वाकई हमारी पूरी तहजीब के तशख़्स का इजहार का ख्याल था, उसके तहफ़ का ख्याल था, उसने कितना किया हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी जो दिमाग में जम गया था कि अब 1803 से दिल्ली का बादशाह शाह आलम नहीं है, अब वो वहाँ बैठा हुआ एक नीम पागल मजबूत नवाज आदमी है जिसको कि बाद में लोगों ने नौकरी से निकाल भी दिया। मगर हम लोगों के यहाँ साहब वही चला रहा किस्सा, वही ढाक के तीन पाँच चले जा रहे हैं अभी तक। अभी भी उर्दू को लश्कर की जबान कहा जाएगा, अभी भी उर्दू को माने लश्कर माना जाएगा, फौजी माना जाएगा, फौज जरे कब आगे कब कमर खप के कट गए, यहाँ दफन भी हो गए, उनके बच्चे कच्चे पैदा हो गए, हम तुम पैदा हो गए, अभी तक हम फौजी हैं, हमारी फ़ौज से ही तुम लोग पैदा हुए जो उर्दू बोल रहे हो, फौज 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 उर्दू लश्कर। अभी कुछ दिन के वाकई 12 मौजूद थी सामने की बात है, एक बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी कि मुशायरे में फंस गया मैं सदारत फरमाने के लिए, तो साहब वहाँ सदारत फरमाने के लिए मुझसे कहा गया कि पहले आप बोल दीजिए क्योंकि जिन जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो उनको जल्दी बहुत वगैरह। खैर मैंने कुछ ना कुछ कहा, मैंने इसको बहुत ज़ोर दिया, कहा कि भाई उर्दू के माने दिल्ली का शहर, उर्दू माने फौज लश्कर कुछ नहीं होता है, बहुत देर समझाया इसको मैंने। तब मैं वापस आ गया तो चीफ गेस्ट साहब ने फिर वही बात दोहरा दी, फ़ौरन फटाक से वही बात कह दी कि उर्दू तो लश्करी जबान। दिल्ली उजल गई, वली को शेर कहना नहीं आता था, शाह गुलशन जो फारसी के माफ़ कीजिएगा मामूली शायर थे उन्होंने सिखाया, और इस तरह कितनी बहुत सी गलत बातें झूठी बातें जो हम लोगों के यहाँ मशहूर हैं हमारी तारीख में अब भी कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ जंग आज़ादी का शहीद है वो उर्दू तारीख बता रहा है। कौन सा जुल्म तुम लोगों ने साथ नहीं किया, इंशा का तुमने हाल देख ही लिया, जुरत का हाल तुम्हें कई लोगों ने जुरत का दीवान को लिया देखा भी, पढ़ना तो छोड़ दिया, कै ख़त्म खाया कह दीजिए आप लोग, वो चुमा जाड़ा सिर्फ है उसमें है कुछ है ही नहीं है, तो चुमा जाड़ा करते रहो। मुसफ़ी के बारे में कह दिए, अरे उनके यहाँ तो अमरोहापन नहीं जाता, वो शेर क्या कहेंगे, 8 दीवान लिखे हैं सब बकवास लिखे हैं, कोई रंग ही उनका नहीं है, रंग तो किसी का नहीं, रंग तो गालिब का कौन सा है, गालिब शोबाश फ़ख्र करते हैं कि मैं तो बेदिल का और उसके बाद में जहूरी का और नज़ीरी का रंग के बारे में बात करते हैं, वो तो शिकायत करते हैं मैं तो नज़ीरी के बराबर हूँ, आप कतील का नाम लेते हैं, गालिब सोख्ता जारा चिब गुफ्तार आरी के बदयारे के नदान नज़ीरी कतील, यानी मैं तो नज़ीरी हूँ और तुम कतील हो तो कतील को तुम उस्ताद मानते हो, तो आप लोगों में कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपना तर्ज अख्तियार किया, जो मुसफ़ी को अभी बुला बुला कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं लोग बहुत लिखा है साहब बकवास लिखी, मीर अरे इतने दीवान है कौन पढ़ेगा भाई, इंतखाब पढ़ लीजिए सब बकवास भरा हुआ, खेत खेत पर शेर मिलता है, ये बहुत बड़े नकाद ने मुझसे ये कहा कि मीर के यहाँ तो खेत खेत पर एक शेर मिलता है, शेर ही नहीं उसके बेचारे के यहाँ। ये सारी तारीख अंग्रेज़ भाइयों की पैदा की हुई कि जो जवाल तुम्हारे यहाँ आ गया था उस जवाल को भरने के लिए हमको आना ही आना था। ये खला मुहाल है हम सब जानते हैं, लिहाजा इस खला को भरने के लिए ये हुआ, और इसी वजह से अब तक हमारी तारीख में इस तरह के और बहुत सी बातें जो मैं छोड़ता हूँ और जगह जगह मैं कह भी चुका हूँ, तो देखिए इस 200 बरस में जो तब्दीलियाँ आईं, जो मैं अच्छी बुरी की बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो तब्दीलियाँ की तारीख साज या तारीख को बिगाड़ने वाली थी उनमें ये सब बातें थीं कि हम लोगों ने अपनी तारीख को पढ़ानी, हम लोगों को बाद में मजबूरन अंग्रेज़ों के ज़ेर असर कौम परस्ती और अब उर्दू शायरी में यकजहती, उर्दू अदब में यकजहती, उर्दू अदब में हिंदुस्तानियत। पिछले साल एक बहुत बड़े जलसे में बहुत बड़े दफ्तर में जलसा हो रहा था, मुझसे कहा गया कि साहब ये ज़ेर बहस ये था कि साहब मौजू क्या हो, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बहुत बड़ी बैनर लगा जैसे हमारे उर्दू हर चीज़ वर्ल्ड होती है, एक वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस होने वाली, तो कहा गया साहब इसका उन्वान होना चाहिए उर्दू अदब में हिंदुस्तानी अनासर। तो माफ़ कीजिएगा मैंने कहा कि कई बार पैजामा खोलेंगे हमारा आप लोग उर्दू ही से पूछते हो, कभी हिंदी से पूछो, कभी बंगाली से क्यों नहीं पूछते हो, पंजाबी से क्यों नहीं पूछते हो, मराठी से क्यों नहीं पूछते हो, हमसे क्यों पूछते हो हिंदुस्तानी यहाँ से, क्योंकि हम तो इसे हम यहाँ के हैं नहीं। ये तस्वुर उर्दू वालों का है, जो उर्दू के मुहाफ़िज़ हैं उनका तस्वुर ये है कि उर्दू में हिंदुस्तानी से ढूंढते फिर ये कि साहब गालिब ने एक साहब ने यहाँ तक लिख दिया है, गालिब को हिंदी से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने उर्दू कलाम को हिंदी कलाम कह दिया। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।